हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके साथ हमारी जो चर्चा रोज की तरह दैनिक राशिफल को लेकर के ही हो रही है, और इस दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं। ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ही दिनांक 10 मार्च सन 2022 दिन गुरुवार और संवत 2078 का है। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन, और पक्ष शुक्ल पक्ष और तिथि अष्टमी। नक्षत्र होगा रोहिणी, योग रहेगा प्रीति और करण होगा वृष्टि, और राशि रहेगी वृषभ। चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में संचार करते रहेंगे। राहु काल का जो समय अवधि रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, दोपहर 2:06 से लेकर शाम 3:36 तक। इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय अवधि है ये है दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:01 तक, और इस समय अवधि में आप अपने शुभ कार्य निसंकोच संपन्न कर सकते हैं। और साथियों, आज से ही होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं जो 18 तारीख तक चलेंगे। इन होलाष्टकों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, हमारे ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके दैनिक राशिफल के विषय में बात करेंगे, और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी के एरीज साइन। तो आज के दिन आपकी साथियों सेहत अच्छी रहेगी, और आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपने जो अपना बजट बनाया हुआ है उससे ऊपर ना जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो धन का अभाव आपको ना हो, तो बजट के अंदर रह करके ही काम करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को ये मत तय करने दीजिए कि आज के दिन आपको क्या करना है, ये आप स्वयं तय करें। आज आप हर तरफ, आपकी कोशिश रहेगी कि आप हर तरफ जो है वो लोगों के साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, और ऐसा लगता है कि आप इस समय अपने वैवाहिक जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताने के लिए भी तैयार हैं। उपाय आप कर सकते हैं, जेब में हरे रंग का रुमाल रखना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अति शुभ। शुभ रंग आपके लिए है हरा, और शुभ अंक आपके लिए है आज 3। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइड। तो साथियों, आपको अपने जो आपका तल्ख रवैया है, थोड़ा कड़क मिजाज, थोड़ा रिजिडनेस जो है, इसको अगर आपने कम नहीं किया तो किसी ना किसी रूप में आपको इसका खमियाजा भी भुगतना आज पड़ सकता है। शिष्टाचार को अपनी आदत में शामिल आपको कर लेना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है समाज में रहने के लिए, क्योंकि शिष्टाचारी इंसान जो होते हैं कुछ भी कड़वा बोलने से पहले 2 जरूर सोचते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ कहना बहुत जरूरी है तो बहुत विनम्रता और बहुत शालीनता के साथ भी कहा जा सकता है। वे निवेश ऐसे जहां पर इन्वेस्टमेंट, जो ऐसी जगहों पर जो आपको काफी अट्रैक्टिव लगती हैं, ऐसी स्कीम्स, उनके बारे में भी पहले आप डिटेल में अच्छी तरीके से उसको जांच पड़ताल कर लें, उसके बारे में समझ लें, तभी आप कोई अपना आगे इन्वेस्टमेंट करें। और ज्यादा बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट की राय ले लें। उस रिश्तेदार को देखने के लिए आपको जाना चाहिए जिनकी तबीयत काफी समय से, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपको जरूर उनका जाकर के हाल मालूम करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। अगर आप आज के दिन किसी के ऊपर भी अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे या करते हैं, तो आपके और आपके प्रिय के बीच काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। देखिए, जो भी नई प्लानिंग है वो काफी आपको आकर्षक लगेंगी, और अच्छी आमदनी का जरिया भी आपके लिए बन सकती हैं अगर आपने सही तरीके से उनको इंप्लीमेंट किया, प्लानिंग्स को।
अपने कार्यों और अपने शब्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए बोलने से पहले, क्योंकि जो भी डेटा होते हैं उनको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। अगर कहीं पर भी आप कोई किसी चीज का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रॉपरली उसको एक तरीके से क्रमानुसार उसको जो है आप डिफाइन करें, सीक्वेंस वाइज जो भी डेटा आपके पास है, वरना तो समझने में भी मुश्किल आएगा। तो प्रेजेंटेशन अगर आप कहीं कर रहे हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय आप करें, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपने घर का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको जरूर साफ सुथरा रखें। आज के लिए जो शुभ रंग है आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए है 8। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो साथियों, जो आपका भोला भाला स्वभाव है ये आज लोगों को भाएगा, उनको पसंद आएगा और आप थोड़ा सा मनोरंजन के नजरिए से थोड़ा शरारती मनोदशा में भी रहेंगे। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा आज, लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और ये आपकी जो योजनाएं चल रही हैं, जो आपने प्लानिंग करके बैठे हैं आप, उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। शाम का समय दोस्तों के साथ आप बिता सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और छुट्टी अगर साथ बिताने की आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है अपने मित्रों के साथ, तो आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए, प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आज के दिन आपके आ सकती है। नौकर और सहकर्मी से थोड़ा सा परेशानी होने की संभावना बनती है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान भी उसी की ही मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। उपाय क्या करें, दूध से भरा हुआ कोई बर्तन अपने सिरहाने रख लें और सुबह घर से बाहर किसी नज़दीकी पेड़ की, वृक्ष की जड़ में उसको डाल दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए है आज सलेटी, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 1। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। तो देखिए साथियों, कार्य का प्रेशर आपके ऊपर है और रहेगा, लेकिन उसमें से थोड़ा अपने आराम के लिए भी समय जरूर निकालें, विश्राम जरूर करें, रेस्ट जरूर करें। जितना भी हो सकता है बीच बीच में समय निकाल करके रेस्ट कर लेना चाहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, काम में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ भी बिगड़ सकता है। देखिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है पैसे की और जो आने वाले टाइम के लिए जो आपने प्लानिंग करके रखी है, उनको अगर किसी के साथ शेयर नहीं करना करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने सामाजिक जीवन को खराब ना करें, यानी कि सोशली जितना भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। मानते हैं कि काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर भी लेना चाहिए, काम भी करना चाहिए, साथ ही शरीर को भी रेस्ट मिलना चाहिए और समाज में भी लोगों के साथ मिलना जुलना होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि अपनी दिनचर्या जो व्यस्त है आपकी, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से ये समय निकालिए आप अपने। कुछ समय परिवार को दीजिए, कुछ समाज में कुछ अच्छे कार्यों के लिए दीजिए, निकालिए, देखिए फिर आपका कितना अच्छा मन प्रसन्न रहता है। यह ना सिर्फ आपके जो प्रेशर आपके दिमाग और दिल पर है काम का, उसका भी बोझ ये अपने आप ही कम करेगा, आपको कहीं ना कहीं आपका एनर्जी बूस्ट होगा, एक तरीके से आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी और ये आपकी झिझक भी मिटाएगा, हेजिटेशन जो आप फील करते हैं समाज में लोगों के साथ मिलने जुलने में, तो उसको भी दूर करेगा। देखिए, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है और इसमें सफलता के साथ साथ आपको काम करने में भी काफी खुशी होगी और इस काम को पाने के लिए झेली गई जितनी भी परेशानियां हैं, समझिएगा कि वो भी मिट जाएंगी। फिर बस इस बात का जरूर ध्यान रखें आज के दिन कि रैश ड्राइविंग ना करें। अगर कहीं आपने लापरवाही की ड्राइविंग के दौरान, तो कोई दुर्घटना घट सकती है आपके साथ, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लें, सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें
उपाय आप कर सकते हैं, गमलों में काले सफेद मार्बल के दाने रखें। ऐसा करने से पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होगी। आपके शुभ रंग आपके लिए है केसरी, शुभ अंक आपके लिए है 6। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो साथियों, आपको लंबे समय से काफी आप थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब आज के दिन आपको इस थकान से भी राहत मिलेगी और जो तनाव आपके ऊपर है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और अगर आप इन परेशानियों से परमानेंटली छुटकारा चाहते हैं तो फिर आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज करने का थोड़ा समय है, अब कर लेना चाहिए। दोस्तों के साथ कुछ भी करते समय आप अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें। हो सकता है कि वे आपकी जरूरतों को ज्यादा सीरियसली ना ले रहे हों। तो रोमांस के नजरिए से भी आज का दिन थोड़ा जटिल रहेगा। आज आपका कोई छुपा हुआ विरोधी आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा आपकी पीठ पीछे। उपाय आप कीजिए, आर्थिक स्थिति को अगर अपनी बेहतर देखना चाहते हैं तो अस्पताल आदि में जाकर के आप रोगियों की जो भी संभव मदद आपसे बन सकती है अवश्य करें। शुभ रंग आपके लिए है आज नीला और शुभ अंक आपके लिए है आज 4। कन्या राशि यानी कि वृगो साइन। तो देखिए साथियों, दूसरों के साथ खुशी बांटने से आपकी सेहत और अच्छी होगी, बेटर होगी। और जो आपके आर्थिक हालात चल रहे हैं थोड़ा टाइट, उनके रहते हुए भी कोई आपका जरूरी कार्य बीच में अटक सकता है। पुराने जो आपके मित्र हैं वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं आज। और कोई अच्छी खबर या फिर आपका जीवन साथी या कोई आपका प्रिय, उससे कोई अच्छा संदेश आपके जो उत्साह है उसको दुगना कर सकता है। कोई ऐसा संदेश आपको मिल सकता है जिससे कि आपके उत्साह में काफी वृद्धि हो जाए। व्यापारियों के लिए दिन आज का बहुत अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा, उसके सिलसिले में, कार्य के सिलसिले में जो भी यात्रा की जाती है आपके द्वारा, वो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली है। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की जो आपकी क्षमता है यह आपको दूसरों से आगे बना करके रखेगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय आप करें, हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का चोला जरूर चढ़ा दें मंगलवार के दिन, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मंगल और शनिवार के दिन। शुभ रंग आपके लिए आज पीला और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 8। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। देखिए, जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर काम का बर्डन ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें आज के दिन, क्योंकि यह सिर्फ आपके तनाव और थकान दोनों को बढ़ा देगा। और ऐसा अगर हुआ तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार या किसी मित्र की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जो आपका दिन बेहतर बना देगी। आज आप वे कपड़े बिल्कुल ना पहने जो आपके प्रिय को पसंद नहीं है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो आहत हो जाए। काम को मनोरंजन के साथ बिल्कुल ना मिक्स करें, काम को काम की तरीके से करें, मनोरंजन अलग चीज है। अगर आप काम को मनोरंजन के साथ मिलाएंगे तो ये काम आपका जो आप करने वाले हैं या करते हैं आज, वो पूरा नहीं हो पाएगा या उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए है आज 1। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। साथियों, आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का जो लेवल है वो काफी ऊंचा रहने वाला है। खास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार रहेंगे जिसमें संभावनाएं अधिक हों लाभ की। पारिवारिक सदस्य जो हैं आपके, उनके नजरिए का भी आप समर्थन करेंगे। जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, उनके लिए आपका समर्थन बना रहेगा। किसी तीसरे इंसान का दखल आपके और आपके अपने किसी प्रिय के बीच किसी ना किसी प्रकार का गतिरोध पैदा कर सकता है, इस बात से आप सावधान रहें। और किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से भी आपको बचना है आज के दिन जिसमें कई भागीदार हों, और अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों की राय लेने से भी आप पीछे ना हटें जो आपके बहुत ही करीबी हैं।
दूसरों की राय को बहुत गौर से सुनें अगर आप आज वाकई फायदा लेना चाहते हैं। उपाय आप कर सकते हैं, सफेद धोती काले किनारे वाली किसी साधु संत को आप या किसी ब्राह्मण को दान में दें तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए है आज भूरा और शुभ अंक आपके लिए है आज 4। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, तो साथियों आपका बच्चों जैसा जो भोला स्वभाव है ये दूसरे लोगों को जो आपके चारों ओर हैं आपके इर्द गिर्द हैं उनको ये बहुत भाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन साथ ही साथ जो आपकी शरारत करने की जो आदत है ये भी दूसरों को अच्छी लगेगी। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आर्थिक नुकसान मान के चलिए तकरीबन पक्का ही है। आज के दिन यही कहेंगे कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज है। जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा कार्य पूरा हो चुका है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स अपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई फाइल या जो भी कागजात हैं इस प्रकार के वो आप अपने सीनियर को ना दें। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें अन्यथा हो सकती है गलती और उसके लिए फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है। उपाय आप कर सकते हैं, सफेद मिष्ठान खाने और खिलाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज 5। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, साथियों आज आप थकावट महसूस करेंगे और छोटी छोटी बातों पर आपको थोड़ा गुस्सा और क्रोध भी आ सकता है। और अगर आप सूझबूझ से काम लेते हैं तो आज कुछ अधिक या एक्स्ट्रा इनकम भी आपको हो सकती है। देखिए बच्चों से जो जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए थोड़ा आप उनको समय निकालें उन चीजों के लिए। अगर आप समय निकालते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हो जाएगा और बच्चों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपको अपने प्रिय को खुद के हालात समझाने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है। आप कामयाबी तो हासिल करेंगे, बस एक एक करके महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप आपको चलने की आवश्यकता रहेगी, तब आप जो है कामयाबी निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और उन लोगों पर भी आप अपना नजर बना करके जरूर रखें जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहते हैं या ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसे लोगों से बचें और उन पर नजर रखें। उपाय आप करिएगा, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से आपका जो हेल्थ है उसको उसमें इंप्रूवमेंट होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए है आज 9। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, देखिए साथियों ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी बने और उजले पक्ष को देखने की कोशिश करें। सिक्के का वो पहलू देखें जो आपको भी अच्छा लगे। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं एवं आशाओं के लिए खोल सकते हैं नए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते और दरवाजे। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से हो सकता है। कोई भी फैसला करने से पहले उसकी कमियां और खामियां दोनों पर सावधानी से आप गौर करिएगा। शाम के समय आज आप कुछ हंसी खुशी भरा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारने वाले हैं या कह सकते हैं गुजार सकते हैं। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद भी कर ले और किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार जरूर करें। अपनी बातचीत में मौलिकता रखें क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाला। उपाय आप कीजिएगा, किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियां अगर आप दान करते हैं तो ये आपकी सेहत को सुधारने में बहुत ही कारगर उपाय साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए है आसमानी और शुभ अंक आपके लिए है आज 2।
अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। तो मेरे प्रिय साथियों, रचनात्मक शौक आज आपको काफी सुकून का एहसास दिलाएंगे। दिन बहुत लाभदायक तो नहीं कहा जा सकता आज का, इसलिए अपनी जेब पर भी थोड़ा सा नजर जरूर रखिएगा और जरूरत से ज्यादा अपने धन का खर्च ना करें तो आपके लिए अच्छा। गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। देखिए, अनपेक्षित, जिसके कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, रोमांटिक आकर्षण की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता आज के दिन। अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को एकदम शीर्ष पर पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। अपने कार्य पर पूरा फोकस करना होगा और अगर कहीं आप बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो अपने शब्दों को भी चयन करके ही बोलना आपके लिए उचित रहेगा। और अगर कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहां पर भी आपको प्रेजेंटेशन करते समय जो डेटा आप दे रहे हैं, वो भी बहुत ध्यानपूर्वक आप उस पर डिस्कस करें। उपाय आप कीजिएगा, 9 वर्ष तक कन्याओं को, जो 9 वर्ष तक की कन्याएं हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको आप भोजन सामग्री बांटें। ऐसा करेंगे तो पारिवारिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए है संतरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 7। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आधारित था। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम दें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।